दोस्तों, आपको शायद ये कैमरा याद होगा। ये वाला रिव्यू हम लोग किए थे एक बार, जो देखे नहीं हो वो देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में। सो आज हम लोग इसका बाहर में कैसा इसका पिक्चर है ये सब टेस्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोग ये वाला कैमरा का रिव्यू देखे थे, हमने किया था, तो इसका इंडोर वाला सिर्फ रिव्यू और अनबॉक्सिंग दिखाया था। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, अभी आउटडोर में देखेंगे इसका पिक्चर कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब देखेंगे। चलो देख लेते हैं। ये रहा कैमरा, इसका बटन फटन सब देख पा रहे हो आप, मेनू बटन, डिस्प्ले, जूम आउट जूम इन सब कुछ है इधर। और सामने देखो लेंस है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 26 mm का लेंस है, 12.1 मेगापिक्सल है एक्चुअली, फ्लैश भी है, सब कुछ है। चलो इसको देखते आउटडोर में शूट करके कैसा वीडियो आ रहा है, क्या आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलो इसको ऑन करते हैं पहले, ये देखो ऑन हो गया। अभी इसका आउटडोर वाला पिक्चर ये देखो, बैटरी लेवल भी शो कर रहा है। अभी देखो वीडियो मोड पे दिया हुआ है, ये वाला स्विच मोड चेंज होता है, ये वाला जो स्विच है मोड चेंज करने के लिए, लेकिन अभी वीडियो में है। सो पहले हम लोग पिक्चर खींचेंगे कुछ, उसके बाद वीडियो करेंगे। चलो अभी पिक्चर मोड पे आ गया ये, अभी ना देखते हैं हम लोग पिक्चर खींच के। ये वाला फ्लावर है हमारे जो मोबाइल से मैं फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, ये वाला मोबाइल से आ रहा है देखो। अभी इस कैमरे से हम लोग पिक्चर क्लिक करेंगे, इसे शूट करेंगे पिक्चर कैसा आ रहा है। फ़ोटो ले लिए, अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो इसका पिक्चर कैसा आ रहा है। ओके, ये वाला भी एक फ्लावर है, इसको भी फ़ोटो ले लेते, देखते कैसा लग रहा है ये। बहुत हवा चल रहा है, उसके बाद भी पिक्चर कितना आ रहा है देखना है। देखो पिक्चर तो ले लिया इसका, अब भाई इसको एक बार जूम करके फ़ोटो खींच के देखते हैं। देखो वो वाला पेड़ है, इसको हम लोग जूम करेंगे, कितना जूम होता है देखते हैं। ये देखो इसका जूम, अभी ये आगे ले रहा हूँ मैं, इसको खींच रहा हूँ। देखो फोटो आ गया, ये भी मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो। उधर देखो वो पेड़ को हम लोग लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। चलो ये भी ले लिया। अभी जो हमारे ये फ्लावर है, इसको भी जूम करके एक बार फोटो खींच के देखते हैं कितना अच्छा आ रहा है 4x जूम में। अच्छा ही आ रहा है। अभी इसका वीडियो मोड भी एक बार देख लेते हैं। देखो इसको दबाने से वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया, अभी ये जूम पे है इसलिए इतना दिख रहा है। अगर जूम करना है पहले जूम कर लो, उसके बाद इसको जूम आउट नहीं कर सकते। अभी देखो जूम आउट करूँगा तो नहीं होगा, जूम आउट नहीं हो रहा है। अभी जूम आउट करने के लिए इसको फिर से उसको बंद करना होगा, अभी देखो जूम आउट होगा। अभी फिर से इसको प्ले करूँगा तो प्ले हो जाएगा, स्टार्ट होगा रिकॉर्डिंग। अभी देखो कुछ भी रिकॉर्ड करके देखते हैं कितना अच्छा वीडियो आ रहा है इसमें, ये वीडियो में डाल दूंगा मैं इसको भी। बहुत धूप है बाहर, लेकिन पिक्चर कितना अच्छा आ रहा है वो मैटर है। और इसमें ब्लॉग भी हो सकता है अगर आप लोग करना चाहते हो तो, वो भी देखना है कैसा पिक्चर आ रहा है। चलो अभी इसको ऑफ करते हैं, ऑफ हो गया। अभी अगर मेरे हिसाब से आप लोग जानना चाहते हो ये कैमरा ठीक ठाक पिक्चर है, वीडियो है, ये प्राइस रेंज और ये जो कैमरा था पहले इसमें ये सही है, अभी मोबाइल में इससे अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी अच्छा है। अगर डेडिकेटेडली कैमरा देखते हो तो अच्छा है, बैटरी बैकअप थोड़ा कम है लेकिन अच्छा है, 4 GB मेमोरी कार्ड से लगभग 1 घंटा तक रिकॉर्ड हो जाएगा ये, और सोनी का लेंस है तो अच्छा आता है पिक्चर, मैं डाल दूंगा आप लोग देख सकते हो। सो यही रिव्यू था, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाय।